नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है एसिडिटी इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आने वाला है, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स क्या है? तो बहुत इजी चीज है, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के सिर पे OH ग्रुप, वो है फिनॉल। और सब्स्टिट्यूशन में जैसे कि ऑर्थो मेटाइल पैरा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल के साथ, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। तो आइए बातें करेंगे बहुत सारी आज। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, या एक चीज आपको बताना भूल गई कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो तरह के ग्रुप्स, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरे के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जहां पे क्या है, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर कार्बन के साथ NO2 ग्रुप अटैच है तो NO2 ग्रुप जो है नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, विड्रॉ कर लेगा। तो NO2 ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, गेटिंग? एंड इफ आई टॉक अबाउट अल्काइल R ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है कार्बन की तरफ, रिलीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दैट अलोंग विद फिनॉल व्हिच ग्रुप इज अटैच्ड, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रादर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो दो चीजें देख के हमें एसिडिटी के बारे में पता चलेगा। और एक और चीज है जिसकी यहाँ पे मैं बाद में बात करने वाली हूँ, पहले तो यहाँ पे तो आ जाइए आप सब। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स सच एज NO2 खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, कौन? NO2, एनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आराम से बढ़ने वाली है, बिकॉज उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखो और तो देखिए, फिनॉल मतलब जो हमारा बेंजीन है उसके सिर पे OH ग्रुप, और उसके ऑर्थो पोजीशन में NO2 ग्रुप, और दूसरा जो अगर मैं बात करूं तो फिनॉल दैट इज बेंजीन के सिर पे OH, एंड अनदर वन इज पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। तो ये जो दो तरह की पोजीशन है, बेसिकली द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड, इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें दिखती है, दैट द इफेक्ट किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड व्हाई इट इज सच, इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन, जिसके बारे में हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है पहले से ही। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्थो मेटाइल पैरा नाइट्रो फिनॉल इज गिवन टू यू, तो जिसमें ऑर्थो और जो पैरा है उसकी इफेक्ट ज्यादा होने वाली है, मतलब आप SASA देखिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो सारी चीजें मैं बाद में बात करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरफ मूव कर रहा है, और मेटा की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, किस हिसाब से बड़ी हो रही है उसके बाद में आराम से बात करेंगे, यहाँ पे आइए। सो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अभी दूसरी चीज, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तो हमने बात कर ली, अभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें एग्जांपल लिया हुआ है R, दैट इज अल्काइल ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 वो छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिलीज कर देता है। तो इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक R, दैट इज अल्काइल ग्रुप, व्हिच डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऊपर वाला देखते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ज्यादा है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसके साथ अटैच होगा तो इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ
decreasing. Further, here I have kept the table. Table में सबसे important चीज क्या है? आपको ये जो portion है ना, मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है, red से indication है. That greater the pKa values, the weaker is the acid. इसकी जितनी values ज़्यादा acid, मतलब वो weak होने वाला है. तो पहले तो आप देख लीजिए ये वैल्यूज में सबसे ज्यादा pKa मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. pKa वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? इथेनॉल की. जिसकी pKa वैल्यू ज्यादा वो वीकर एसिड. तो ये टेबल में सबसे वीक एसिड कौन होगा? इथेनॉल. या करेक्ट. अगर हम बात करें सिर्फ नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल्स की बात करें ऑर्थो मेटा एंड पैरा में तो वैल्यूज देखिए 7.1 एंड 7.2 ग्रेटर द वैल्यू वीकर द एसिड. सो हियर वैल्यू ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल इज मोर सो इट विल बी वीकर एसिड. व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो चलिए चलते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया हुआ था दैट इज ग्रेटर द pKa वैल्यूज द वीकर इज द एसिड. और ये पूरा टेबल हमें क्या कंक्लूड कर रहा है? द कंक्लूजन इज फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन इथेनॉल. कहां से पता चला क्यों वो मोर एसिडिक है? देखिए फिनॉल और इथेनॉल का कंपैरिजन. Value pKa value is more, so it will be a weaker acid. pKa value is less, so it will be a stronger acid. So ये थी substituted phenols की बात. वो अब सबको पता चली है. Note down कीजिए notebook में अच्छे से मस्त handwriting में. और मिलते हैं दूसरे topic के साथ वापस. And इसके साथ साथ आपको कुछ theories भी learn करनी है, कुछ examples भी करने हैं, जो मैं आपको next session में बता रहा हूँ. Thank you.